everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good and a very very happy new year. I hope इस नए साल के साथ आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और मेरी भी. तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं घूमने से और जाएंगे बाहर. मैं और गोविंद जाने वाले हैं घूमने के लिए और गोविंद भी आ चुका है. सो से हेलो. हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर. कुछ व्यूअर्स को कहना चाहते हो इस नए साल के शुभ अवसर पे? सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए, सब लोग हेल्दी रहिए, क्योंकि हमारे मित्र भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए हैं पतले होने का. बिल्कुल नहीं गाइस, मैं हर बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेती हूँ लेकिन वो कर नहीं पाती, तो इसलिए इस बार कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं और जो भी करना है वो अच्छे से करना है. मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा हुआ था और मेरा लास्ट टाइम वाला फ्लॉप हुआ. अगर आपको जानना है कि मेरा लास्ट टाइम का क्या था तो आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देख सकते हैं जिसको मैं कभी नहीं देखना चाहती. मेरा क्योंकि था उसमें ऐसा रेजोल्यूशन मेरा था और हम पूरा कर भी लिए थे. क्या था तुम्हारा? गाली ना देने. ओह, तो नहीं दिया पूरा साल गाली? मतलब रेयरली यूज किए होंगे, कहीं ना कहीं बहुत रेयरली. कहीं पे सट्टी भी है हम मोस्टली, लेकिन वो नहीं जा रही है. थोड़ा स्लैंग्स यूज कर लेते हैं पर बापरी गाली और स्लैंग क्या है भाई, डिफरेंस है? क्या 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 डिफरेंस है बोलो, जैसे बताओ भाई कुछ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या ही दे? हाँ ठीक है, ले देखिए. ये नहीं कर पाया है, ये अब ये टाल रहा है, ये समझ जाइए. हम लोग जाएंगे एक पार्किंग स्पॉट, पार्किंग नहीं, पार्किंग नहीं, पिकनिक स्पॉट पे. पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं. पिकनिक नहीं मनाने जा रहे हैं, लेकिन पिकनिक नहीं मनाने जा रहे क्योंकि हम लोग दो इंसान है, क्या ही पिकनिक मनाएंगे. पर ऐसे हम लोग घूमेंगे और हमारा जो एज यूजुअल काम होता है फोटोज लेने का, वो सब लेके चले आएंगे घर पे. सो लेट्स गो, दिखाते हैं यहाँ पे कितना भीड़ होता है कितना नहीं. यहाँ लाइन लगा हुआ है और हम लोग भी इस लाइन में लगेंगे. अभी से पहले खरीदेंगे कॉटन कैंडी. बढ़ रही है लाइन. पूरा गंदा भी कर दिया यार ये लोग तो. लोगों को याद होगा मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक बार इसी पार्क में आई थी और उतना भीड़ नहीं था यहाँ पे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है. ऑफ कोर्स होगा भी क्योंकि आज है 1 जनवरी और यही सब है बहाना जब लोग थोड़ा घूमता फिरता है और आता है पार्क वार्क में तो. हाँ, और रैंडमली आपको यहाँ पे बच्चा ज़रूर दिख जाएगा, 10 बच्चा दौड़ता हुआ तो. हाँ, वेलकम टू पार्क. हम लोग भी पहले करते थे ना ये सब. खड़े होके किए हो? नहीं, खड़े होके तो नहीं किए हैं, शीशों पे बैठेंगे. ठीक है, मेरा पैंट में नहीं है मिट्टू, शीशों पे बैठ सकते. ये कुछ हो रहा है उधर, पूजा पाठ चल रहा है क्या? उधर मंदिर है ना. अच्छा, ये है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम और ये बंद है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है ऑफ कोर्स इसलिए. और आगे है हमारा गांधी मेमोरियल पिलर जो कि 10 जून 1972 में बनाया गया था मिस्टर नंदलाल बोस के द्वारा. डिज़ाइन है ये और ये डेडिकेट करता है, ये से बनाया गया इन द मेमोरी ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट जो कि गांधी जी ने यहाँ से शुरू किया था. वैसे मैंने ये सब अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था. देखो वहीं रह गया. पीछे इस पार्क के जस्ट पीछे एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान आराधना हो रहा है, तो उसी का आवाज आ रहा है. गाइस, ये है समागार अतिथि गृह. मंत्री लोग का जो बाहर बाहर से लोग घूमने आते हैं, मुझे हरी भाई लोग डीएम जंग से भी होता है तो कंफर्म होता है. आप लोग हम लोग सारे
तो यहाँ पे मंत्री वंत्री लोग आके रहता है जैसे कि इन्होंने बताया है। ये बताओ कि 2022 का सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा है तुम्हारे लिए? मेरा कॉन्स्टेंटली सेम चीज़ होता है कि वापस डीमोटिवेट हो जाते हैं कोई भी चीज़ को देख के, फेलियर को देख के, फिर वापस से कहीं से फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक। तो हम चाहते हैं मतलब कुछ ये सीखने को मिला कि भले सिचुएशन कैसा भी हो, हम लोगों को ना हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, हमेशा खुश रहो और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करो। नाइस, अच्छा था, बहुत सारा पेड़ है यहाँ। और कौन सा भाई, मेरा हाथ ही टेढ़ा टूट जाएगा। कैसे बचपन में स्कूल में जाते थे और लीची का पत्ता खाते थे और बताते थे हमने पान खाए। ये ना आजकल का बच्चा लोग नहीं समझ पाएगा, वो लोग को पता ही नहीं कि लीची के पत्ते का टेस्ट कैसा होता है। हाँ, और वो नहीं खाएगा, बोलेगा ची क्या है, सोचेगा भी नहीं, बकरी खाती है, बकरी फ्लेवर्ड आधा था ना एक, अच्छा हाँ हाँ उसमें हाँ। बोला था क्या कि वैसे वो बहुत गंदा लगता था यार, गंदा लगता था। अरे तुम नहीं समझी वाला, हम समझ गए, उसका आइसक्रीम आता था। हाँ, आइसक्रीम ढप ढप करके नहीं अच्छा लगता छी, नहीं अच्छा लगता, बहुत पसंद था। नाली के पानी से बनाता है क्योंकि 2 रुपए में कैसे ही मिलेगा। अरे 2-2 रुपए में आइसक्रीम मिल जाता था यार उस टाइम। 3 रुपए वाला याद है, वो मेवाड़ में जो बेचता था, आहा कुल्फी यम्मी था। अरे वो आज भी है लेकिन 15 रुपए, बाप रे, ओवर रेट बड़ा यार सबका। हाँ सही बात है, बाहर हवा मिठाई वाले को ही देख लो ना। हाँ, 15 रुपए में 2 रुपए 3 रुपए का आता था, वो एक आते थे वो पीठ पे ऐसे, तुमको ध्यान होगा, वो पीठ पे ऐसे बैम्बू का बना हुआ रहता था, उसपे लटका लटका के लाते थे और एक पैकेट में 4 होता था ऐसे छोटे 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 छोटे। वहीं से हम लोग, वहीं उन्हीं से तो खरीदा और वहीं से जाने भी कैसा होता है। और वो एक रेड कलर के कपड़ा में बंधा हुआ रहता था। हाँ हाँ, व्हाइट हो, उसका डिजाइन बना के देता था। मिला ही नहीं ना पूरे कभी। हाँ यार, वो कभी नहीं मिला। एक वो शुगर सिरप का होता था ना, शुगर सिरप का ही रहता था पता नहीं, पर वो मीठा मीठा लगता था, व्हाइट कलर का होता था और वो खींच इलास्टिक जैसा था। तो उसको वो हम बेचने आता था घर के बाहर, और जो भी शेप में, हाँ रेड कलर के कपड़े से बांधे रहता था वो पूरा मिठाई, और जो भी शेप बोलो जैसे कि घड़ी या कुछ भी, वो सब फूल वूल सब बना के देता था और खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पता नहीं वो उसके बाद से मिला नहीं बड़े होने पर। जो बचा हुआ था पेपर ये सब है, बुक ये सब है, उसको बेच दो। हाँ। और ना सन पापड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। और ना पता हम लोग इतना सारा घर का पेपर बेच के सन पापड़ी खा जाते थे। हाँ। और इतना गाली पड़ता था कि सारा। हाँ। पेपर कहाँ है, बस हम लोग इधर देखते हैं सारा पेपर। हाँ। खा गए उसका। ये कुत्ता जो कि आवाज से डर रहा है गोविंद। हेलो, नहीं हाँ ये नहीं 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 भगाओ इसको। फाइनली खत्म हो गया आज का दिन, 1st of January 2023। और काफ़ी अच्छा रहा, घूमने गए थे दिन में और उसके बाद आके जो कंबल में घुसे उसके बाद अभी जस्ट उठे हैं। तो अच्छा रहा आज का दिन और आई होप आप सभी ने भी अपना दिन एंजॉय किया होगा। मैंने तो एंजॉय किया और ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं ताकि हम लोग खुश रह सकें, जैसे कहीं घूम लो या कुछ कर लो। स्पेशली 1st और 31st को सबके दिमाग में रहता है कि कुछ तो अलग करना चाहिए, साल का पहला दिन है, साल का आखिरी दिन है, तो हाँ सबके दिमाग में होता है और सब कुछ ना कुछ करते भी हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया। आई होप आप लोगों ने भी किया और इन्जॉय किया, और नया साल आ चुका है तो अपना हर दिन अच्छे से एंजॉय करें और प्रोडक्टिव बनाएं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लें और उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डिड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं जल्दी ही आने वाली हूँ नए ब्लॉग के साथ जिसमें होगा एक सरप्राइज, तो जस्ट वेट फॉर इट, कल ही आ जाएगा।
So stay tuned and thank you so much for watching. I'll meet you in my next vlog. Bye bye.